नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। एक्टर सीजान खा जेल से रिहा होने के बाद अब जल्द ही छोटे पर्दे पर कमबैक करने जा रहे हैं। आखिरी बार सीजान खां को अलीबाबा दास्तानें काबुल में देखा गया था। करीब 2.5 महीने तक वो जेल में बंद रहे थे। मार्च में ही वो जेल से बाहर आए और अब चर्चा है कि सीजान खां खतरों के खिलाड़ी 13 में नजर आएंगे। सीजान खां रोहित शेट्टी के स्टंट बेट सो खतरों के खिलाड़ी 13 में एक्शन करते दिखेंगे। उनके खिलाफ केस चल रहा है जिसकी वजह से भारत से बाहर उनकी ट्रैवलिंग पर रोक लगाई गई है। शो के लिए उन्होंने कोर्ट में भारत से बाहर जाने की इजाजत मांगने के लिए याचिका दायर की। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने कहा कि हाँ, सीजान खां से बातचीत हो रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस सीजन का पार्ट होंगे। उन्होंने अपने ट्रैवल और अनडॉक्यूमेंट से जुड़ी याचिका हाई कोर्ट में दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक जाने तो इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, हालांकि अभी तक सीजान और ना ही उनके वकील शैलेंद्र मिश्रा ने इस मामले पर कोई रिएक्शन दिया है। बता दें कि मई के आखिरी या जून के पहले हफ्ते से सभी कंटेस्ट खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग के लिए अर्जेंटीना रवाना होंगे। शो में नायरा बनर्जी, अर्चना गौतम, शिव ठाकरे, अंजुमन फकीर, रूही चतुर्वेदी, अर्जित तनेजा, अंजलि आनंद, शरद मल्होत्रा, मुनवर फारूकी, प्रिंस नरूला और अंजलि अरोरा जैसे सेलेब्स का नाम है। सीजान खान पर तनीषा शर्मा को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा था। अलीबाबा के लीड स्टार सीजान और तनीषा रिलेशनशिप में थे। तनीषा की मां का आरोप था कि सीजान उन्हें धोखा दे रहा था। जब ये बात तनीषा को पता चला तो सीजान से उसने ब्रेकअप कर लिया था। इसी की वजह से तनीषा काफ़ी परेशान थी और अलीबाबा के सेट पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। सीजान को करीब 2.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। मार्च के पहले हफ्ते में वो जेल से रिहा हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।